अभी हम आजमगढ़ में हैं और आजमगढ़ के उस जगह पर हैं और चुनाव उपचुनाव जो है यहाँ पर आजमगढ़ में जोर शोर से चल रहा है। और हमारे साथ भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर कलाकार हैं बतासा चाचा के नाम से जाने जाते हैं और ये यहाँ पर आए हुए दिनेश लाल यादव निरहुआ का प्रचार कर रहे हैं। तो बतासा चाचा जी, ये बताइए आप क्या कर रहे हैं इस समय, कैसा माहौल है? देखिए, चुनाव का माहौल है, आप जानते हैं उपचुनाव हो रहा है आजमगढ़ में और 3 साल के बाद हमारे जो सांसद जी थे वो छोड़ दिए, इस्तीफा दे दिया उन्होंने। निरहुआ हमारा पहले भी लड़ा था और हार गया था, पूरा सब लोग सब एक तरफ हो गए थे और लोगों ने शायद कुछ कमी रह गई थी। लेकिन इस बार 3 साल तक हारने के बाद भी वो जमा रहा, आजमगढ़ छोड़ कर गया नहीं, हर महीने उसका आना जाना, लोगों की समस्याएं सुनना, ये सब जारी रहा। तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि फिजा बहुत कमाल की है, गुट्टू जमाली यानी कि जो बसपा है, बसपा और भाजपा की लड़ाई है, सपा तो कहीं मैदान में है ही नहीं और दूसरे नंबर पे है वो। तो मैं अपने मतदाताओं से यही कहूँगा कि जो केंद्र में हमारे मोदी जी हैं, प्रदेश में हमारे योगी जी हैं, तो आजमगढ़ जी इससे अछूता क्यों रहे, यहाँ भी आप अपने निरहुआ को जिता दीजिए और आपकी सारी समस्याएं, जो प्रॉब्लम है, ये आने वाले टाइम में सब दूर होगा। बतासा जी, एक अहम सवाल ये इस समय आ गया है, 3-4 उससे विपक्ष जो है वो आपकी सरकार को, आपकी पार्टी को घेर रही है कि युवा बेरोजगार हो रहे हैं, अब तक आर्मी की एक भी बहाली नहीं निकाली गई और नहीं तो अग्नि पथ करके लोगों को इसमें धकेला जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत ही पढ़े लिखे और बुद्धिजीवी व्यक्ति हमारे भोजपुरी के बहुत बड़े सम्मानित कलाकार हैं और शायद एजुकेशन में शायद ही कोई अभिनेता उनके जैसा नहीं है, वो हमारे साथ में है। इस बारे में आप उनसे पूछिए, आपको बहुत अच्छी राय बताएंगे। वो मुद्दे उठाने से जो वाकई देश हित में हो, अब अग्निवीर जो आया है क्या चाहते हैं आप, देश की युवा गड्ढा खने नरेगा में 300 रुपया रोज पर, या आपने MBA कर लिया आज घिस करके, आपको पहली तनख्वाह हमको बता दीजिए 20,000 रुपए से ज्यादा मिले तो। आप अग्निवीर में जाते हैं, आप देश के उन अग्रणी सपूतों में शामिल होते हैं जो सेना के जवान हैं, जो हमारे कहते हैं कि सर का ताज है। आपको 4 साल की नौकरी मिल रही है, कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप आइए, और ये टोटल भर्ती मात्र 3% है, जनरल भर्ती तो रुकी ही नहीं, ये कौन समझेगा? ये तो वैसे ही था कि GST आया, हटाओ, आज समझ में आ गया सबको। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि आप आर्मी की जो बहाली 4 साल से नहीं हुई है, उसको बंद करके ये 4 साल के लिए सिर्फ रख करके, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रख करके अब कोई भर्ती नहीं करेंगे, इसके बारे में आप लोगों को बता दीजिए, जो क्योंकि 3 रोज से यूपी बिहार सहित 12 राज्यों में जो भी जनता का जो भी संपत्ति फूका गया है, उसके बारे में कैसे क्या चीज होगा और लोगों को समझाइए, क्योंकि अभी स्थिति वैसे नॉर्मल नहीं हो पा रही है। देखिए, युवा जो है ना वो बहुत ही रोष में है, चाहे देश का हो चाहे प्रदेश का हो, बेरोजगारी की समस्या है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जब सरकार कुछ कह रही है तो आप उसको अंदर तक जाइए, सोचिए कि क्या किया है सरकार, क्या खराब है इसमें। बहाली नहीं हुई 4 साल से, तो 15 साल से तो एयरफोर्स के जेट नहीं खरीदे गए थे, पैसा नहीं था उनके पास, एक एंट्री ने कहा था हमारे पास पैसा नहीं है 7,000 करोड़ का खरीदने, आज 15,000 करोड़ का राफेल है ना हमारे पास। तो चीज़ें बनाई जाती हैं। आज अग्निवीर में आप 4 साल 17 साल से लेकर 21 साल तक जो भटका हुआ है, जो व्हाट्सएप पे दिन भर लगा हुआ है, जो नशे की लत में, आज 4 साल करिए, उसके बाद आपको 25% तो भर्ती ले ही जाएगी आप, अगर आप सक्षम हैं तो आप सेना में रहेंगे, उसके बाद अगर आप वहाँ से निकलते हैं तो आपको 10% CRPF में और बाकी जगह पर। चीज़ों को समझेगा नहीं युवा, उसको बरगलाया जाएगा, तो ये प्रदर्शन होगा, सरकारी संपत्ति, लोगों का नुकसान होगा। तो अग्निवीर योजना कोई जबरदस्ती सरकार गर्दन पकड़ के नहीं कह रही, और बहाली पूर्वक जारी रहेगी, ये तो 3% बढ़ती है, इसको समझने की जरूरत है। चलिए, आप इस समय आकर के दिनेश लाल यादव निरहुआ का आजमगढ़ में प्रचार कर रहे हैं और आजमगढ़ की जनता से क्या अपील करेंगे? अभी तो यहाँ से सपा पार्टी के जो भी वर्तमान सांसद थे यहाँ से छोड़कर चले गए, भग गए हैं, तो आप यहाँ की जनता आपसे क्या उम्मीद करके आपको वोट चुने? जनता बहुत 5 साल देख ली ना, सबका 5 साल देख ली, आदरणीय माननीय मुलायम सिंह भी रहे जी, उनके बाद अखिलेश जी भी रहे जी, उसके पहले भी रहे बहुत लोग, हुआ क्या? तो इस बार निरहुआ में बुराई क्या है? धरती से आया है, उठ के आया है,
और अपने दम पे सुपरस्टार बना, आप ही लोगों ने बनाया, वो तो दो ही साल मांग रहा है ना जी। तीन साल तो चले गए तो दो ही साल मांग रहा है, दो साल में नहीं काम करेगा मत दीजिएगा 2024 में उसको। वो लोग तो बोलते हैं कि वो नचनिया गवनिया वो क्या करेगा, नचनिया सफाई महोत्सव में 400 रुपए थूक गए इसी नचनिया पदनिया गुलाने महोत्सव नहीं है तो क्या कर लेंगे। ये तो आप अभी हम लोग कई सभाओं में बात किए कि आज तमिलनाडु एक समृद्ध राज्य है, कौन है वहाँ का मुख्यमंत्री, कौन था, जयललिता क्या थी, हीरोइन थी, उसके पहले MGR थे, क्या थे, हीरो थे, तो नचनिया पदनिया थे, नचनिया पदनिया जो कर देगा फिर तो कहाँ कर पा रहे हैं। आज मनोज तिवारी जी सांसद हैं दिल्ली, कहाँ घोटाला कर दिए, माननीय रविकिशन भैया है हमारे भोजपुरी से ही है, कहाँ घोटाला कर दिए गोरखपुर, गोरखपुर जनता ने ही चुना ना, जनता थोड़ा सा समझदारी इस बार दिखा दे, थोड़ा सा, दो साल है। सुनील दत्त साहब कांग्रेस में उनसे जैसा, उनके जैसा लीडर हुआ ही नहीं दूसरी पीढ़ी, ये हम लोग तो हम लोग मनोरंजन ही इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हम आपकी नर्स जानते हैं, तो जब नर्स जानते हैं तो फिर आपकी समस्या कैसे नहीं जानते, ये तो हमारे लिए बड़ी छोटी सी चीज़ है। हाँ, बस उसको गुड गवर्नेंस के जरिए आप लोगों तक पहुंचा देना है, सरकार देती सब कुछ है, राजीव गांधी जी ने कहा था ना कि 15 पैसा पहुंचता है, अब पहुंचेगा, हमारी कोशिश होगी कि 100 पैसा पहुँचे, मेरा हुआ 15 साल से हम जानते हैं पैसा कमाने के लिए नहीं आया, पैसा बहुत कमा लिया उसने, रोजगार दिया, आपको पता हो कि आप जब कड़वा उनका गांव है वहां पे एक छोटी सी फैक्ट्री बना रखी है, उनके घर में उनके परिवार के उनके गांव का कौन सा ऐसा बंदा नहीं जिसको रोजगार नहीं मिला, शूटिंग से रिलेटेड जो आपकी काबिलियत है सबको रोजगार दिया, तो ये आप जान लीजिए कि आप एक बहुत ही अच्छा मौका है आपके पास, इसको चुकी है। धन्यवाद। अभी हमारे साथ फिल्म अभिनेता सुशील सिंह जी भी थे, बारीकी से यहाँ के चुनाव के बारे में लेते हुए विपक्ष को भी कटघरे में खड़ा किया कि जो आप लोग ये तमाशा कर रहे हैं हमारा निरहुआ करके दिखाएगा। आजमगढ़ से आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।